प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्रों का किया शुभारंभ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर समूचे मध्य प्रदेश के जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय शिवपुरी में भी रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा जन औषधि केंद्र शुभारंभ हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती नेहा यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम, कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन अरविंद लाल दीवान द्वारा दीप प्रज्वलित और फीता काट कर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जन औषधि केंद्र जिला चिकित्सालय में खोले हैं, जो रेडक्रॉस संस्था के मार्गदर्शन में चलाए जाएंगे। ये एक अनुकरणीय पहल है। इसके माध्यम से मरीज को बहुत कम कीमत पर सभी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध होंगी। उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया है कि वे जेनेरिक दवाओं को अधिक से अधिक लिखे ताकि मरीज को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की स्वास्थ्य के लिए कृत संकल्पित है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का जब रेडक्रॉस संस्था की ओर से स्वागत किया तो उन्होंने फूलमालाओं को अस्वीकार करते हुए रेडक्रॉस के अध्यक्ष दीवान अरविंद लाल को माला पहनाई और कहा कि रेडक्रॉस बहुत ही नीक और अनुकरणीय काम कर रहा है। आप सभी साधुवाद के पात्र हो। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपका ये योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर उपस्थित मरीजों ने जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाइयां खरीदी। इस दौरान रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन अरविंद लाल, डॉक्टर संजय ऋषेश्वर, वाइस चेयरमैन आलोक एम इंदौरिया, सचिव समीर गांधी, कोषाध्यक्ष राकेश शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर बी एल यादव, रवि गोयल, राहुल गोयल, हितेश हरियाणी, संतोष शिवहरे, अजय राजपूत, डॉक्टर भगवंत बंसल, लवलेश जैन चीनू, नमन विरमानी, राजेंद्र गुप्ता सहित जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद। क्या नाम है? क्या नाम है सर जी? आज जन औषधि की जो दुकान खुली है, उन्होंने उद्घाटन किया अपने प्रभारी मंत्री जी ने, तो क्या क्या की दवाई मिलेगी इसमें? सभी जो दवाई इसमें लिस्टेड है वो सभी दवाई उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कितने प्रकार की दवाइयां? 1960 दवाइयां है। इसके बगैर एक स्कैनिंग भी है सामने, स्कैन करके आप सारी दवाइयां उसको देख भी सकते। ये सेवा कितनी बजे से कितनी बजे तक रहेगी, इसके बारे में हमारे सचिव आपको बताएंगे। सुबह 9 बजे से 8 बजे। सर जी क्या नाम है आपका? समीर गांधी जी। दुकान की जो सेवा है कितने बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से 8 बजे। स्टार्टिंग यही है। ये दवाइयाँ जो है, ये जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उसके समान ही दवाइयाँ हैं। इवन प्रोडक्शन करने वाले लोग भी समान हैं, लेकिन इसकी रेट 50% से 90% तक कम होगी। और इसमें इस लिस्ट में लगभग 2000 दवाइयाँ हैं और लगभग 200 सर्जिकल उपकरण भी हैं। क्या सरकारी डॉक्टर इस दवा को देखेंगे? हमने उनसे रिक्वेस्ट तो की है कि आप लिखें, जिससे कि जनता को सरकार की योजना है तो निश्चित रूप से वो उसका लाभ गरीब जनता को मिले, इसका कोशिश करेंगे। संडे को क्या क्लोज रहेगा ये? नहीं, संडे को क्लोज नहीं रहेगा।